ठीक है, ऐसे अभी पार्ट सेकंड में मैंने आपको बताया हैलोजन के प्रिपरेशन, हैलो एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड, उसमें मैंने बताया कि अल्कोहल से कोई भी हेलो अल्कोहल से आप कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन्स। आप दूसरा फॉर्म इसके बताते हैं, दूसरा क्या मेथड है हेलो एल्केन्स बनाने के लिए, हाइड्रोकार्बन्स। क्या? हाइड्रोकार्बन से भी आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं क्या हेलो एल्केन्स। अब टॉपिक को ही पहले देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ये होते हैं एल्केन और एल्कीन हाइड्रोकार्बन्स, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड, कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। और ये हाइड्रोकार्बन्स एल्केन, एल्कीन और एल्काइन्स हो सकते हैं। हमें देखना क्या है, एल्केन से कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एल्कीन से कैसे प्रिपेयर करते हैं, एल्काइन आपके सिलेबस में नहीं है, तो एल्केन और एल्कीन को देखते हैं। एल्केन क्या होते हैं, यानी एल्केन तो आप पहले से ही जानते हैं, CH3, CH2, CH3, यानी कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाएँ, सिंगल बॉन्ड पाए जाएँ, वो क्या कहलाएंगे, एल्केन्स कहलाएंगे। कार्बन की संख्या ये निश्चित करेगी कि वो कौन सा एल्केन है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, क्या होंगे। और एल्कीन्स क्या होते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके बीच में क्या पाए जाएं, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाएं, वो क्या होते हैं, एल्कीन्स। अब इसमें हम पहला टॉपिक देख लेते हैं कि एल्केन्स कैसे बनाते हैं। पहला क्या देखेंगे, एल्केन। अब एल्केन से रिएक्शंस कराते हैं कैसे, एक एल्केन एग्जांपल के रूप में जो आपके बुक में है दिखा देते हैं, क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपने ले लिया क्या, एल्केन्स। और इस एल्केन्स का रिएक्शंस आपने क्लोरीन ले लेते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है क्लोरीन, अल्ट्रावायलेट रेस, अल्ट्रा यूवी लाइट बोलेंगे, अल्ट्रावायलेट लाइट यानी सनलाइट को बोल सकते हैं, सनलाइट हो, या आप कंडीशन क्या होगा, हीट दें, यानी किसी भी एल्केन का रिएक्शंस यदि वो हैलोजन से कराए जाएं, प्रेजेंस किसका रहेगा, अल्ट्रावायलेट रेस या फोटॉन या क्या होंगे, हीट का प्रेजेंस होंगे, तो इसके प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होती है उस वो रिएक्शन फ्री रेडिकल्स रिएक्शंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, फ्री रेडिकल्स रिएक्शंस होती हैं। कंडीशन ध्यान रखेंगे कि फ्री रेडिकल्स डेवलप कब होते हैं, जब प्रेजेंस किसका हो, सनलाइट का, और सनलाइट अल्ट्रावायलेट लाइट का प्रेजेंस होगा तभी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में यहाँ पर आपको जो कंपाउंड बन करके आते हैं वो कंपाउंड कैसे होंगे, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। आपको दो तीन डेरिवेटिव प्राप्त होंगे, CH3 CH2 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 Cl, यानी आपको क्या मिल गए, एक तो प्राइमरी डेरिवेटिव मिल गया, यानी मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, यानी 1-chlorobutane प्राप्त हो गए, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या लिया था, ब्यूटेन। नाम ध्यान रखेंगे ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-chlorobutane, क्या होगा, 1-chlorobutane। अब इसके साथ साथ में
जब आपने पहले आपने जो हैलोजन वो एल्कोहल से जब रिएक्शंस कराए थे तो सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड आपको मिलते थे, यहाँ पर मिक्सचर आप कंपाउंड मिलते हैं साथ में, और क्या इसका प्राइमरी के साथ में सेकेंडरी ग्रुप भी प्राप्त हो जाता है, CH3 CH2 CH2 CHCl और CH3, यानी प्राइमरी मिले सेकेंडरी मिले। अब इसको तो देख लिए, मिक्सचर आप कंपाउंड कैसे प्राप्त होते हैं इसको भी देखते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, कैसे फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं। मैंने आपको बॉन्ड ब्रेक करना बताया, बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तो ये प्रेजेंस क्या लिया गया, लाइट का, किसका, लाइट का प्रेजेंस लिए। अब देखेंगे जो भी हैलोजन आपने यहाँ पर लिया है, ये हैलोजन जिसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सेम है, क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सेम है, सेम इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। अब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सेम है तो इनके बीच में जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये कंफर्म नहीं कर सकते कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करें और कौन से ग्रुप के ऊपर निगेटिव चार्ज। पहले मैंने अभी बताया कि HCl ले लिया था, तो आपने जब बॉन्ड ब्रेक किया इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आए थे, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज आए थे, एक के ऊपर निगेटिव चार्ज आया, दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों हुआ, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है वो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इसके कंपेयर में हाई है, और हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट कैरी करता है निगेटिव चार्ज, और इसके कंपेयर में ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सेम है, तो सेम इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के जब होगी तो इनके ऊपर चार्ज का डेवलपमेंट नहीं होता, उसके स्थान पर क्या डेवलप हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स, यानी इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा और इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस फ्री रेडिकल्स के डेवलप होने से इस हैलोजन ग्रुप की रिएक्टिविटी बहुत ही फास्ट हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है, जो फ्री रेडिकल्स कैन डेवलप फ्री रेडिकल्स, एक फ्री रेडिकल्स जब दूसरे फ्री रेडिकल्स से रिएक्शंस करते हैं, यानी किसी भी कंपाउंड से रिएक्शंस करेंगे, मान लिया ये CH3 CH2 CH2 CH3 से रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर यही फ्री रेडिकल्स क्या काम करेंगे, यही फ्री रेडिकल्स फिर से फ्री रेडिकल्स डेवलप कर देते हैं। यहाँ पर एक H फ्री रेडिकल्स और H2 फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं। फिर अंत में क्या होता है, थर्ड प्रोसेस क्या होती है, एक फ्री रेडिकल्स दूसरे फ्री रेडिकल्स से कंबाइंड कर जाते हैं, एक फ्री रेडिकल्स दूसरे फ्री रेडिकल्स से कंबाइंड कर दिए तो क्या बन गया, प्राइमरी क्लोरो ब्यूटेन बन गया, ये प्राइमरी कंपाउंड बन गया। जो काम यहाँ से हुआ था ये इस कार्बन से हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, इस कार्बन से कर दिया तो क्या हो गया, सेकेंडरी हो गए। आप सोच रहे होंगे इस कार्बन से भी हो जाता, यदि इस कार्बन से हो जाता तब भी आपका प्रोडक्ट सेम होता, और इस कार्बन से होते तो यही प्रोडक्ट, यानी आपने जो रिएक्शंस लिया, जो रिएक्शंस कराए, इस रिएक्शंस में केवल दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो प्राइमरी डेरिवेटिव बनेंगे या तो क्या बन जाएंगे, दूसरे डेरिवेटिव, यानी दो डेरिवेटिव्स आपको प्राप्त होते हैं, दो कंपाउंड प्राप्त होते हैं। ये रिएक्शंस तब तक चलती रहती है, स्टॉप नहीं करती, जब तक कि प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी, लाइट जब तक प्रेजेंस होंगे तब तक ये एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करते रहेंगे और इनका अटैचमेंट होता रहता है, जब तक कि यहाँ से सभी हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम एल्कीन से कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं आप हेलो एल्केन्स, मैंने आपको एल्केन से बताया, आप बताएंगे एल्कीन से।
एल्कीन, अब कोई भी एल्कीन्स ले लेते हैं। एल्कीन्स क्या होते हैं? डबल बॉन्ड पाया जाना चाहिए, डबल बॉन्ड पाया जाना चाहिए, डबल बॉन्ड पाया गया, ठीक है। अब किसी भी एल्कीन्स का रिएक्शंस आप हैलोजन एसिड से करा दीजिए, एच एक्स से करा दीजिए, और रिएक्शंस जो परफॉर्म होगी वो रिएक्शंस किस आधार पर, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, इनके ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप होंगे, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब फिर से बात क्या आ जाती है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड हैं और इस डबल बॉन्ड के भी आपको बॉन्ड ब्रेक करने होंगे, ब्रेक करने होंगे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये बॉन्ड किसी एक साइड में ब्रेक करेगा, या तो ये फॉरवर्ड ब्रेक होंगे या तो बैकवर्डली ब्रेक होंगे। किधर भी ब्रेक होगा, जिधर बॉन्ड ब्रेक होगा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, और जिधर से बॉन्ड ब्रेक होंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ दीजिए और निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दीजिए, अटैच कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स बन करके आएंगे, यहाँ पर CH3 CH2 एक्स बन करके आएगा, कंपाउंड बन करके आएंगे। ये क्या हैं? हेलो एल्केन्स। क्या हैं? हेलो एल्केन। क्या हैं? हेलो एल्केन्स, ठीक है। आपको क्या करना है, एल्केन्स के बीच के एक बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, जिधर बॉन्ड ब्रेक होगा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, जिधर से बॉन्ड ब्रेक होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जिस भी रिएजेंट से रिएक्शंस करा रहे होंगे उस रिएजेंट को ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करना मैंने आपको बताया मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट पर निगेटिव चार्ज, और उसके कंपेयर में जो लेस इलेक्ट्रॉन निगेटिव होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव को निगेटिव से अटैच कर दीजिए और निगेटिव को पॉजिटिव से अटैच कर दीजिए, और अंत में आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे, एल्केन्स प्राप्त हो जाएंगे। इस रिएक्शंस को देख लेते हैं, इस तरह से भी लिखा मिलता है आपके बुक में, ऐसे दिया हुआ है, कार्बन, और यहाँ पर आपको लगा दिया गया, क्या लगाया गया, हाइड्रोजन, और एक तरफ इधर लग जाएंगे एक्स हैलोजन, और ये नेगेटिव है तो इधर लग जाएंगे पॉजिटिव वाले यानी हाइड्रोजन। तो दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखा नहीं जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसको हाइड्रोजन मान लेंगे CH3, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा CH3, यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और CH2X यानी सेम प्रोडक्ट लिखे हैं, इसका खून साइज फॉर्म है, यहाँ पर ऐसे लिखा होगा कोई कंपाउंड, ठीक है। अब समझ में आ गए होंगे रिएक्शंस कि आपको एल्कीन्स के बीच के क्या करने हैं, बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक तरफ निगेटिव चार्ज और एक तरफ होंगे पॉजिटिव चार्ज, रिएजेंट को ब्रेक कर लेंगे और पॉजिटिव को निगेटिव से अटैच करेंगे, आपके क्या बन करके आ जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक रिएक्शंस और देखते हैं, क्या कौन से रिएक्शंस देखते हैं, CH3 यानी एल्कीन, CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शंस कराते हैं HI के साथ में। हाँ, इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन करके आएंगे वो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, और जो प्रोडक्ट बन करके आता है वो दो प्रोडक्ट बन करके आएंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ पर, एक तो बनेगा CH3 CH2 CH2 I, ठीक है। आप सेम काम यहाँ पर किए, बॉन्ड को ब्रेक किया, बॉन्ड इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरे तरफ निगेटिव चार्ज। दूसरा एक प्रोडक्ट और बन कर के आता है, कौन सा प्रोडक्ट बन कर के आते हैं, CH3 CH, और यहीं से अटैच होंगे आयोडीन और CH3। अब ध्यान क्या देखना है कि जो भी प्रोडक्ट एक माइनर प्रोडक्ट होंगे, माइनर
कौन से प्रोडक्ट होंगे? माइनर प्रोडक्ट होंगे और एक मेजर प्रोडक्ट होगा। अब माइनर और मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए आपको मार्कोनी का रूल फॉलो करना पड़ता है। मार्कोनी का रूल क्या होते हैं कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, ये रिएजेंट है और इसका नेगेटिव पार्ट क्या है? आयोडीन, आयोडाइड है। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ये कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है और इस हाइड्रोजन से जाकर के अटैच होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए होंगे तभी ये नेगेटिव जुड़ा होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए होंगे तभी ये पॉजिटिव जाकर के जुड़े होंगे। अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग किसके, ये इतना ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इस चेन में जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी होगी, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी होगी और ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक कर गए होंगे। ये सिंपल रूल है, बॉन्ड यहाँ पर जब ब्रेक कर गए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके कंपेयर में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव पार्ट अटैच हो गए और नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। ये रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट रिएक्शंस यही होती हैं और मेजर यानी अधिकतर प्रोडक्ट की यील्ड जो होगी यही होंगे, सेकेंडरी डेरिवेटिव प्राप्त होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके साथ में ये माइनर प्रोडक्ट नहीं प्राप्त होंगे, 2%, 3%, 5% ये भी प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। थैंक यू।